वसंत साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बताएं सर अपडेट्स और साथ ही आउटलुक। हाँ गुड मॉर्निंग अनिल जी, आपको और सारे दर्शकों को जी के सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान करे सबको खूब खजाना मिले। तो खजाना के लिए कल आपको दो दिन से बोल रहे थे डीएलएफ। देखिए 400 रुपए वाला 425 हो गया और प्रॉफिट बुक कीजिए। टाटा पावर आपको कहा था मैंने बड़ी कन्विक्शन से 236 रुपए बिक गया, शॉर्ट टर्म ट्रेडर प्रॉफिट बुक कीजिए। आरईसी कल आपको बड़ी जोर से बोला था 47 पे डिस्काउंट पे था, 2.5 रुपए डिविडेंड 51 रुपए बिक गया। और टीसीएस अभी भी मैं कह रहा हूँ 3700 पे दिवाली मिलेगी, तो कीप अप योर बेटर बिकॉज टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू आउट परफॉर्म फ्रॉम हियर। अब दो पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूँ। जी सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी आज दोनों पिक्स खरीदारी की राय होगी। बिल्कुल, और लार्ज कैप से सर पहले तो विप्रो लीजिए, अनक्वेश्चनेबली द बेस्ट परफॉर्मर एज फार एज लार्ज कैप आईटीज। 56-58 में लीजिए, 45 का स्टॉप लॉस, 75 और 78 का टारगेट, और ये दोनों मेरे को लगता है आज या कल में आ सकते हैं बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज टू लीड द अपसाइड। दूसरा भाई है जो रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे लेकिन मार्केट ने उसको यू नो थोड़ा इग्नोर किया, एनटीपीसी 37-38 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 33.50, 143.40 टू 145 का टारगेट। Okay. दो टारगेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों बोलते हैं कभी 2% कम है या 4% ज्यादा है, तो 145 पे जाएगा एनटीपीसी, ये मेरा पक्का विश्वास है। Okay, तो दो दिग्गज शेयरों में करनी है खरीदारी। विप्रो खरीदिए 655-660 की रेंज में, 645 का आपका होगा स्टॉप लॉस, 675 से 678 के टारगेट के लिए 675-678। एनटीपीसी खरीदिए 136-137 की रेंज में और यहाँ पर 133.50 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट रखे 143.50 और 145 के। ये दोनों ही बेहतरीन पिक्स, धन्यवाद बसंत साहब ये दो बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों को देने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो आइए दमदार एक्शन होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर।